हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। तो इस तरीके से हर साल, आप जानते हैं दोस्तों, हर साल जो है जो पॉलिटेक्निक की जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं उसमें एडमिशन मिलती हैं। तो चाहे आप मतलब ये जो है ये डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं या दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर किसी अदर कहीं स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, एक रिक्रूटिंग बोर्ड होता है जिसका काम ही होता है, बोर्ड होता है, एक टेक्निकल बोर्ड होता है जिसका काम होता है दोस्तों, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उनमें मतलब कैंडिडेट्स का जो है सबसे पहले फॉर्म वगैरह निकलते हैं, इनका काम होता है सबसे पहले ये फॉर्म को रिलीज़ करते हैं और कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं। फिर क्या होता है, या तो आपको 10th के बेसिस पर, यानी 10th में जो भी आपने मार्क्स लाए होंगे, जो भी आपके नंबर आए होंगे, जो भी परसेंटेज आपकी रही होगी, उसी परसेंटेज के बेसिस पर ये भी हो सकता है कि बोर्ड डिसाइड करे कि मेरिट तैयार हो, या फिर कहीं कहीं पर क्या होता है कि आपका जो बोर्ड है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, एग्ज़ाम आपका लिया जाता है। तो एग्ज़ाम में आप बैठते हो और जो एग्ज़ाम में आपको जो पेपर आता है दोस्तों, उसका लेवल क्या होता है, ये 10th का ही लेवल होता है, ठीक है। 10th लेवल के ही उसमें क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और ऑप्शंस होते हैं, 4-5 ऑप्शंस होते हैं, और उसमें आपको राइट जो आंसर होगा वो आपको चूज करना होता है। तो अगर आपने 12th किया है तो इसमें आपको प्लस पॉइंट क्या है, या इससे ज़्यादा कि आपकी अगर कोई क्वालिफिकेशन है फिर भी आप यहाँ पर डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या मिलता है कि आपका यहाँ पर जो नॉलेज है वो थोड़े ज़्यादा होता है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है, जो 10th पास जो भी कैंडिडेट्स निकलते हैं वो भी अच्छी खासे जो है मार्क्स यहाँ पर स्कोर करते हैं। तो वो डिपेंड करता है दोस्तों आपकी प्रिपरेशन पर, आपकी तैयारी पे भी यहाँ पे डिपेंड करता है। तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं, फीस वगैरह यहाँ पर क्या क्या ली जाती है, और इसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि इसके लिए क्या होती है, एक रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फीस होती है, और यहाँ पर इन्होंने रखी है, ये है 1,000 रुपया। क्या होता है, 1,000 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फीस जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, मतलब एक बार अगर आप ये फीस दे देते हो तो फिर ये आपको रिफंड नहीं होती है अगर आप रिफंड मांगते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 2024 के अकॉर्डिंग में देखें, इस तरीके से 2025 का भी होगा। अब यहाँ पर देखिए 2024 की अगर हम बात करें, तो मई 24 2024 को जो है फॉर्म यहाँ पर शुरू हो गए थे फिलअप होना, और लास्ट डेट थी यहाँ पर जून 15 2024 सैटरडे को, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर जो है फर्स्ट राउंड कब हुआ था, यहाँ पर देखिए फिजिकल राउंड जो है, फिजिकल रिपोर्टिंग राउंड फर्स्ट हुआ था जून 24 और 25 को। फिर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकला था यहाँ पर, डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फर्स्ट कट ऑफ यहाँ पर हुआ था 21 जून को, और सेकेंड जो कट ऑफ था वो 26 जून को हुआ था। इसी तरीके से फिर सेकेंड राउंड, फिर यहाँ पर थर्ड राउंड, वो आपको यहाँ पर देखना है, और इसी तरीके से होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर क्या है, 85% जो कैंडिडेट्स है ना वो यहाँ पर दिल्ली के होंगे जिनको एडमिशन दी जाएगी, और बाकी के जो 15% है वो आउटसाइडर्स को भी यहाँ पर क्या है, एडमिशन जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। यानी सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और आप भी अपने स्टेट में कई तरह के जो कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट की बात करूं मैं, गवर्नमेंट की बात करूं, तो वहां पर भी जो है आपको मतलब एडमिशन आपको मिल जाती है। हर लगभग हर स्टेट यूटी में जो है वो कॉलेजेस हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, जो कि आपके जो कोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं जो उनकी ओर से कराए जाते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट जो है, वो जो मेंबर्स हैं बोर्ड के, उनके बारे में डिटेल वगैरह जो है वो दी गई है। और इसके अलावा हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर कराती है। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम ऑफर्ड,
तो ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स कौन कौन से ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स कराते हैं? सबसे पहले आर्किटेक्चर डिप्लोमा कराते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कराते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी कराते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का भी कराते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इस तरीके से पॉलीमर का भी है, पेट्रोकेमिकल का है, पॉलीमर का है, प्रिसीशन का है, प्रिंटिंग का है, रोबोटिक एंड प्रोसेस ऑटोमेशन का भी है, और इस तरीके से 4-year UG डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग का भी यहाँ पर जो कोर्स है वो यहाँ पर कराया जाता है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो देखिए यहाँ पर एक तो आपने 10th किया होना चाहिए, जो मिनिमम आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट मतलब जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रहती है। इसके अलावा यहाँ पर ITI वालों को भी बताया गया है कि अगर आपने 8th क्लास के बाद कोई 2 साल की ITI की है, देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर का क्या है, पास्ट 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आफ्टर मतलब आफ्टर क्लास 8th के बाद आपने किया है तो भी आप यहाँ पर देखिए आपके भी यहाँ पर जो चांसेस हैं वो होते हैं कि भाई आपको भी यहाँ पर एडमिशन दी जाएगी, क्योंकि 10th के बाद ही आपने ये किया होगा। या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर बताया गया हैज़ ऑन जॉब एक्सपीरियंस अगर आपका है इन द रिलेटेड जो है रिलेटेड सेक्टर, जैसे मान लीजिए कि अगर रोबोटिक एंड प्रोसेस ऑटोमेशन का डिप्लोमा आप करने जा रहे हैं तो इसी के रिकॉर्डिंग में ही आपका कोई एक्सपीरियंस भी है, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है कि फिर भी आपको यहाँ पर क्या है एडमिशन वगैरह जो है वो दी जाएगी। तो वो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आपके पास यहाँ पर चॉइसेस हैं, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर डिप्लोमा है मतलब जो आर्किटेक्चर का डिप्लोमा है इसके लिए ओनली यहाँ पर अगर आप 10th पास हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों रिजर्वेशन की, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग में 85 जो सीट्स हैं टोटल सीट्स में 85% जो है वो दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है और जो रिमेनिंग 15% है वो आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो दिल्ली का जो पॉलिसी है गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर जो है भर्ती की जाएगी, एडमिशन दी जाएगी आपको। फिर यहाँ पर कैटेगरी में देख सकते हो आप यहाँ पर SC वालों के लिए 15% का रिजर्वेशन, ST वालों के लिए 7.5% का, और OBC जो NCL आते हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनको 27% का रिजर्वेशन होता है। अगर आपने दोस्तों इफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो आपने पास किया है दिल्ली से, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट OBC का है वो इशू हुआ है आउटसाइड दिल्ली से, तो आपको ट्रीट किया जाएगा यहाँ पर कि आप दिल्ली के जनरल कैटेगरी से में ही आते हैं, इस तरीके से आपको बिलोंग किया जाएगा। फिर यहाँ पर EWS के लिए 10% का जो है वो यहाँ पर रिजर्वेशन है, PWD वालों के लिए 5% का रिजर्वेशन है, डिफेंस के लिए भी 5% का रिजर्वेशन है, वो आप यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा। ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे उसके लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो काफी लंबी लिस्ट है दोस्तों, हम यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करें यहाँ पर ताकि वीडियो जो है वो लंबा ना हो, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन रहता है इसके रिगार्डिंग में आप मुझे कमेंट के जरिए दोस्तों बेहिचक बता सकते हैं, इससे मुझे पता लगता है दोस्तों तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो आप सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जो है नोटिफिकेशन आपको जल्दी से रिसीव हो सके। आप देखिए सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स जो है सीट मैट्रिक्स में आप देख सकते हो कि कौन कौन से जो हैं मतलब कॉलेजेस वगैरह जो हैं, ये भी कह सकते हो आपकी भाई जो है यहाँ पर जो अलग अलग जो कैंपसेस हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर नाम बताया गया है आर्यभट्ट DSEU अशोक विहार, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जगह के नाम है जहाँ पर ये कराए जाएंगे, मतलब ये यूनिवर्सिटी एक ही है लेकिन आगे जो है वो नाम जो है वहाँ पर जगह के अलग अलग जगह पर हैं, ये कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर देखिए अम्बेडकर शक्करपुर कैंपस में डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की 180 सीट्स हैं, तो इस तरीके से। फिर आर्यभट्ट जो DSEU है अशोक विहार में तो उसमें आर्किटेक्चर के 60 यहाँ पर सीट्स हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कौन कौन से डिसिप्लिन है, कौन कौन सा स्ट्रीम है जिसमें कितनी क्या सीट्स जो है फिलअप की जाएंगी। जैसे DSEU PUSA कैंपस फर्स्ट जो है इसमें डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 60 सीट्स जो है फिलअप की जाएंगी, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर चेक करते जाना है और देखते जाना है दोस्तों कि कहाँ पर कितनी क्या जो है वो सीट्स हैं, कौन सी ब्रांचेस में कितनी क्या जो सीट्स हैं वो फिलअप की जाएंगी। तो इस तरीके से जब भी आपकी काउंसलिंग होगी, जब भी आपको बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर आप फिर इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग में आप उनको बता सकते हो कि कौन सी जगह पर आपको
कौन सी ब्रांच में जो है मतलब आपको चाहिए, क्या है आपकी चॉइस, वो वहां पर पूछेंगे तो आप उनको बता सकते हो। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर के आर्किटेक्चर को छोड़कर बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उनकी एडमिशन आप देख लीजिए। ट्यूशन फीस है 10,000 रुपया पर सेमेस्टर का, और इसके अलावा रिफंडेबल फीस है 1,000 है यहाँ पर जनरल मनी का, लेबोरेटरी मनी का 2,000 है और लाइब्रेरी मनी का 500 रुपया। तो ये कितना हो गया, 2 और 3 3,500, ये 3,500 रुपये क्या है आपका रिफंडेबल है, ये आपको वापस बाद में मिल जाएगा। और मतलब क्लेम कर सकते हो आप जो यहाँ पर इन्होंने बताया है, तो आप लास्ट पर क्लेम कर सकते हो तो, और ये आपको दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो है फीस है जो कलेक्ट होगी एक बार, ठीक है, ये जो फीस है ये कलेक्ट एक टाइम पे की जाएगी जब आपकी एडमिशन होगी। जैसे एनरोलमेंट फीस 200 रुपये, आईडी कार्ड का 100 रुपया ले लेंगे आपसे ये, तो ये एक टाइम का ही लेने वाले हैं ऐसा इन्होंने बताया है। और पर सेमेस्टर जो फीस कलेक्ट की जाएगी वो क्या है, एडमिशन या री एडमिशन फीस 500 रुपया सभी प्रोग्राम्स के लिए, स्पोर्ट्स फीस 500 रुपया सभी प्रोग्राम्स के लिए, इसके अलावा लाइब्रेरी फीस 500 रुपया सभी प्रोग्राम्स के लिए, ITES फीस है 500 रुपया ये भी सभी प्रोग्राम्स के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जो फीस है ये भी 500 रुपया, लेबोरेटरी फीस 1,000 रुपया। तो ये पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डेवलपमेंट फीस 1,000, एग्जामिनेशन फीस 2,000। फिर है दोस्तों मिस मिसलिनियस फीस, जैसे आपका कार्ड जो है अगर मिस हो जाता है, आप डुप्लीकेट चाहते हैं तो 100 रुपया देना पड़ेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर CC फीस जो है वो यहाँ पर 200 रुपये रखी गई है, ठीक है ना। ट्रांसफर सर्टिफिकेट की फीस कितनी है, 200 रुपये यहाँ पर। फिर दोस्तों यहाँ पर है फीस स्ट्रक्चर जो कि आर्किटेक्चर, मैंने आपको बताया था ना आर्किटेक्चर के अलावा, मैंने अभी आपको बताया फीस के बारे में सारी चीजों के। अब आर्किटेक्चर डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है, पर सेमेस्टर जो आपकी ट्यूशन फीस है वो क्या है 25,000, उसमें कितनी थी बाकी सर डिप्लोमा कोर्सेज में 10,000 रुपये थी, लेकिन इसमें क्या होगी 25,000 रुपये इन्होंने बताया, बाकी सेम ही रहेगा जो जो भी यहाँ पर लाइब्रेरी जनरल लेबोरेटरी जो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, ये तो बाकी तो यहाँ पर लगभग सेम ही रहेगा, वो आप यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों। इस तरीके से कुछ और जो है इम्पोर्टेंट देखने की हम करते हैं, जो हमसे छूट गया होगा हम एक बार देख लेते हैं, और स्टिल अगर मुझसे छूट जाता है दोस्तों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे कमेंट के जरिए बता दीजिए। देखिए एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड, सेकेंड ईयर फिर यहाँ पे 2 सेमेस्टर होंगे, थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होंगे, तो इस तरीके से 3 साल का आपका डिप्लोमा कराया जाएगा जिसमें टोटल कितने होंगे 6 सेमेस्टर होंगे, 6 6 महीने के। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद अब ये यहाँ पर क्या है सर्टिफिकेट्स का जो है वो फॉर्मेट है, जैसे EWS सर्टिफिकेट है तो वो किस फॉर्मेट में इनको चाहिए, ठीक है। तो ये कई सारी सर्टिफिकेट्स जो है वो इनको इन्होंने यहाँ पर अटैच की है, जैसे अगर स्पोर्ट्स में कोटा में आप आते हैं यहाँ पर डिफेंस कोटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको कौन सी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर लगानी है, तो ये सारी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर जो है वो जैसे PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो उनके लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये है सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का इनको चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।